नमस्कार, मैं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले रोजगार से जुड़े टॉप 5 समाचार से अपडेटेड रहने के लिए हमारे नए यूट्यूब चैनल जीओवी पीवीटी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चले बढ़ते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों की तरफ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आर ब्लॉक से दीघा अटल पथ का किया लोकार्पण। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज आर ब्लॉक से दीघा अटल पथ का लोकार्पण किया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, इसका नामकरण भारत रत्न से सम्मानित देश के दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर किया गया है। 1 जनवरी से इस सड़क पर वाहनों का परिचालन ट्रायल के तौर पर जारी था। 4 और 6 लेन वाली इस सड़क पर 6 मिनट में लोग आर ब्लॉक से दीघा की दूरी तय कर रहे हैं। 379.57 करोड़ रुपए की लागत से ये सड़क तैयार हुई है। इस मौके पर मीडिया के साथ संक्षिप्त बातचीत के दौरान सीएम नीतीश ने कहा कि दीघा आर्ट ब्लॉक रोड अटल पथ का एक हिस्सा है। भाजपा में विधान परिषद कोटे की सीट को लेकर हलचल हुई शुरू। खरमास खत्म होते ही भाजपा की राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है। विधान परिषद कोटे की सीट को लेकर हलचल शुरू हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार भाजपा कोटे की खाली हुई विधान परिषद की 2 सीटों के लिए हो रहे उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों के नाम तय कर लिए गए हैं। का औपचारिक ऐलान कभी भी हो सकता है। इसके बाद विधान परिषद की मनोनयन कोटे की सीट के लिए उम्मीदवार तय होंगे। विधान परिषद की सीट भरे जाने के बाद मंत्रिमंडल विस्तार की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। भाजपा नेता विनोद नारायण झा के विधायक बनने और सुशील कुमार मोदी के राज्यसभा सांसद चुने जाने के कारण विधान परिषद की 2 सीटें खाली हुई हैं। इन दोनों सीटों पर पार्टी के आलाकमान ने बिहार भाजपा से राय मांगी थी। जिस कंपनी का लगेगा पहला डोज, उसी कंपनी का दिया जाएगा दूसरा। कोरोना वैक्सीन लगाने का काम कल से शुरू होने वाला है। वहीं वैक्सीन को लेकर अब एक और अहम जानकारी सामने आई है, जिसके तहत कोरोना टीकाकरण के दौरान जिस कंपनी का पहला टीका लगेगा, उसी कंपनी का दूसरा टीका भी 28 दिनों के अंदर दिया जाएगा। कोविशील्ड टीका लगाने वालों को दूसरी बार कोविशील्ड का ही दूसरा टीका लगेगा, जबकि कोवैक्सीन लेने वालों को दूसरा डोज भी इसी का दिया जाएगा, जिसकी सारी जानकारी राज्य स्वास्थ्य समिति ने दे दी है। राज्य स्वास्थ्य समिति से मिली जानकारी के अनुसार कोविशील्ड के प्रत्येक वायल में 10 डोज है, यानी इससे 10 लोगों को टीका दिया जाएगा, जबकि कोवैक्सीन वायल में 20 डोज है, यानी कि 20 लोगों को टीका दिया जाएगा। आईजी मुख्यालय बनाए गए राकेश राठी। बिहार पुलिस सेवा के 2 और बिहार सेवा के 1 अधिकारी को नई जिम्मेदारी मिल गई है। मिली जानकारी के अनुसार मगध रेंज के आईजी राकेश राठी का तबादला पुलिस मुख्यालय में कर दिया गया है। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटे 1998 बैच के आईपीएस अधिकारी अमित लोढ़ा को मगध रेंज गया का नया आईजी बनाया गया है। वो पद स्थापना की प्रतीक्षा में बैठे थे। गृह विभाग ने इससे संबंधित अधिसूचना गुरुवार को ही जारी कर दी थी। इसके साथ ही बिहार पुलिस सेवा के अपर पुलिस अधीक्षक रैंक के अधिकारी मनीष कुमार सिंह को फुलवारी शरीफ के नए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। रुपेश मामले में लगातार पुलिस के हाथ खाली। पटना के पनाईचक में बीते दिनों इंडिगो के स्टेशन हेड को उनके घर के सामने ही मारने के वाक्य के बाद इस पूरे मामले में पुलिस के हाथ खाली नजर आ रहे हैं। लगातार 4 दिन गुजर जाने के बावजूद पुलिस को अब तक कोई भी लीड नहीं मिली है, ना ही अब तक जान लेने वालों की कोई जानकारी मिली है और ना ही अब तक इस पूरे मामले के पीछे का अहम कारण सामने आया है, जिसके बाद पुलिस रुपेश के कॉल डिटेल को खंगालने का काम कर रही है। इसके साथ ही रुपेश के व्हाट्सएप मैसेज टावर डंप सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगालने में लगी हुई है। वहीं इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी व्यक्तिगत रूप से नजर बनाए हुए हैं। जदयू में अब युवाओं को मिलेगी तरजीह। जदयू में अब निष्क्रिय नेताओं पर गाज गिरने वाली है। जदयू ने अब अपने ऐसे नेताओं को हटाने की जिम्मेदारी उठाई है जो ऊपर से नीचे तक निष्क्रिय है। इतना ही नहीं, अब पार्टी में युवाओं को तरजीह दिए जाने पर विचार विमर्श किया जा रहा है। जानकारों की माने तो जदयू में यह बदलाव बूथ से लेकर राज्य कमेटी और राष्ट्रीय कमेटियों में भी होने के आसार जताए जा रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में आए परिणाम को ध्यान में रखते हुए पार्टी में यह बदलाव किया जा रहा है। जदयू की माने तो पार्टी में नयापन लाने के मकसद से ही उक्त कदम उठाए जा रहे हैं। गौर करने की बात यह है कि पार्टी में 2005 के बाद अब जाकर जदयू को इतनी कम सीटों पर बिहार में जीत मिली है और यही कारण है कि पार्टी में अब बदलाव की लहर देखने को मिलने वाली है। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे राकेश रंजन कुमार की। राकेश रंजन कुमार का जन्म आज ही के दिन बिहार के दरभंगा जिले में हुआ था। राकेश रंजन एक भारतीय फिल्म निर्देशक और लेखक है। उन्होंने डियर फ्रेंड हिटलर का निर्देशन भी किया था, जिसका प्रीमियर 2011 में कान फिल्म फेस्टिवल में हुआ था। इसे हॉलीवुड रिपोर्टर में डुआने बेरेगे ने अयोग्य, विवादित और उबरे भयानक के रूप में वर्णित किया था। कुमार के पास हिंदू साहित्य में हिंदू कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में स्नातक कोर है। उन्होंने निर्देशक, लेखक, अभिनेता के रूप में कई मंचीय नाटक में भाग लिया है। उसमें
ओडिपस पंचलाइट साखाराम बिंदर जाटी हो पुचो साधु की होली एंटीगोन और वेस्ट साइड स्टोरी जैसे प्रोडक्शन शामिल है। पैक्सों को प्रति बूथ देने होंगी इतनी राशि। बिहार में पैक्स चुनाव की तैयारियां जोर शोर से जारी है। बिहार में पैक्स को चुनाव के लिए अब कितनी राशि देनी है उसका फैसला भी ले लिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार में पैक्स को चुनाव के लिए हर बूथ पर 5,000 रूपये निर्वाचित शुल्क के रूप में देने होंगे। सक्षम पैक्स तो भुगतान करेंगे, वहीं पैसा देने में असक्षम पैक्स का नामांकन शुल्क के रूप में मिलने वाली राशि में इसकी कटौती की जानी है। जिन 1511 पैक्स का चुनाव होना है उनमें लगभग 400 ऐसे पैक्स हैं जिनके पास निर्वाचन शुल्क देने की कोई राशि नहीं है। इस बाबत राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने साफ कर दिया है कि उम्मीदवारों को नामांकन शुल्क नाजिर रसीद के माध्यम से प्रखंड कार्यालय में ही जमा करना होगा। तेजस्वी यादव ने लोगों को किया सचेत। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं सरकार को निशाने पर लेने का। इसी क्रम में तेजस्वी ने एक बार फिर से सरकार को निशाने पर लेते हुए लोगों को दो टूक नसीहत देते हुए सतर्क रहने की बात कही है, जिसके तहत उन्होंने सुबह सुबह बयान जारी करते हुए कहा कि कृपया आप सावधानी पूर्वक घर से बाहर निकलिए। बिहार की अनैतिक असमर्थ सरकार में विधि व्यवस्था समाप्त है। सत्ता संरक्षित अपराधी कभी भी कहीं भी तांडव कर किसी के साथ कुछ भी कर देते हैं। ये लोग सरेआम घूम रहे हैं, अराजकता फैलाने में लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री जी से बिहार संभल नहीं रहा है, अधिकारी भी उनके नहीं सुन रहे हैं क्योंकि आरसीपी टैक्स योजना के तहत उनका पद स्थापन होता आया है। अधिकारी तो जनप्रतिनिधियों का फोन तक नहीं उठाते हैं। दीघा रेल लाइन नहीं बल्कि हार्डिंग पार्क की जमीन खरीदेगा रेलवे। रेलवे ने पहले दीघा रेल लाइन की जमीन को लेने की बात कही थी, जिसके बाद अब रेलवे हार्डिंग पार्क की जमीन को लेने पर विचार कर रहा है। मिली जानकारी के अनुसार कई सालों से बेकार पड़े हार्डिंग पार्क की जमीन पर रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा। इसके लिए जल्द ही राज्य सरकार से जमीन लेने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इस बात की पूरी जानकारी पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक ने दी है। वो पटना जंक्शन पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए देश के पहले ई चार्जिंग स्टेशन के उद्घाटन के लिए पहुंचे थे। पूर्व मध्य रेल के महाप्रबंधक ने बताया कि दीघा रेल लाइन हस्तांतरण के बदले हार्डिंग पार्क देने का आश्वासन राज्य सरकार ने पहले ही दे दिया था। रेलवे द्वारा आने वाले दिनों में हार्डिंग पार्क में लोकल ट्रेन के लिए रेलवे स्टेशन बनाने की योजना है। बिहार की अदालत दिखी सुस्त। बिहार की अदालतों में मामलों की सुनवाई के अभाव का मामला सामने आया है और यही कारण है कि अब तक बिहार की अदालतों में कई मामलों की सुनवाई ही नहीं हो पाई है। मिली जानकारी के अनुसार सबसे अधिक राजधानी पटना में मामले लंबित है। स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार साल 2018 में सूबे के कुल मिलाकर 10.67 लाख मामले अभी भी लंबित है, जबकि साल 2019 के बाद की बात करें तो इसकी कुल संख्या 11.91 लाख हो गई है। बीते दिनों की बात की जाए तो कुल ट्रायल में से 2% मामले में ही अदालत फैसला सुना पाई है, इसमें से 12% मामलों में ही सजा मिल सकी है। सुशील मोदी ने दिल्ली में विरोध कर रहे किसानों को किसान मानने से ही किया इनकार। देश की राजनीति में नई हवा चल रही है, जहां सरकार लगातार विरोध की आवाज उठाने वालों को देश का नागरिक मानने से ही इनकार कर दे रही है। एक बार फिर किसानों के मामले में ही ऐसा हो रहा है। अपनी मांगों को लेकर 1.5 महीने से सड़कों पर उतरे किसानों को राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने किसान मानने से ही इनकार करते हुए अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि दिल्ली में आंदोलनरत किसानों को असली किसान नहीं कहा जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि लोग संसद, सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रीय पर्व की गरिमा को ठेस पहुंचाने पर तुले हैं, वे असली किसान नहीं हो सकते हैं। ट्वीट कर सांसद ने आगे कहा कि तीनों नए कृषि कानून पर अंतरिम रोक लगाकर सुप्रीम कोर्ट ने आंदोलनकारी किसानों का भरोसा जीतने की अब तक की सबसे बड़ी कोशिश की है। अंकिता लोखंडे ने सुशांत को किया याद। मकर संक्रांति के मौके पर अंकिता लोखंडे ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को एक बार फिर से याद किया है, जिसके तहत उन्होंने बीते दिन मकर संक्रांति के मौके पर इंस्टाग्राम पर पतंग उड़ाते हुए एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में वो पतंग उड़ाती हुई नजर आ रही हैं, जबकि बैकग्राउंड में सुशांत सिंह राजपूत की डेब्यू फिल्म काई पो छे फिल्म का गाना बज रहा है। इस वीडियो को शेयर करते हुए अंकिता ने कैप्शन में लिखा है कि अब भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब मैं इस गाने को सुनती हूं। क्या शानदार फिल्म थी और सुनहरी यादों के साथ का वो क्या सफर था। सभी को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। कुलदीप को टीम में जगह नहीं देने पर फैंस का दिखा गुस्सा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आखिरी मैच की शुरुआत हो चुकी है, वहीं खबर लिखे जाने तक ऑस्ट्रेलिया की आधी टीम पवेलियन में वापस लौट चुकी थी। हालांकि मैच से पहले ही प्रशंसकों का गुस्सा साफ देखने को मिल रहा था, जब टीम 11 में कुलदीप यादव को जगह नहीं दी गई। कुलदीप यादव की जगह टीम में वॉशिंगटन सुंदर को जगह मिली है, जिसको लेकर फैंस का गुस्सा रवि शास्त्री के खिलाफ दिखा, जिसके बाद रवि शास्त्री को जमकर ट्विटर पर ट्रोल भी किया गया। दरअसल पिछले दौर पर सिडनी टेस्ट मैच के बाद रवि शास्त्री ने कुलदीप
कुलदीप यादव को लेकर बयान देते हुए कहा था कि वो हमारे नंबर वन स्पिन गेंदबाज होंगे सभी फॉर्मेट के अंदर, लेकिन उसके बाद से कुलदीप यादव को क्रिकेट के लंबे फॉर्मेट में ज्यादा मौका नहीं मिला, ना ही वनडे क्रिकेट में उनको ज्यादा चांस दिया गया। भारत में कोरोना प्रभावितों की संख्या पहुंची 1 करोड़ के पार। देश में कोरोना प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 15,590 मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 1,05,27,683 पर पहुंच गई है। वहीं बीते 24 घंटे में कुल मिलाकर 191 लोगों की जान जा चुकी है, जिसके बाद जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 1,51,918 पर पहुंच गई है। वहीं अब तक पूरे देश में कोरोना का प्रभाव कम होता जा रहा है, जिस तरह से बीते कुछ दिनों से कोरोना के नए मामलों में गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं आपको बता दें, भारत में अब तक कुल मिलाकर 1,01,62,738 मरीज ठीक हो चुके हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अब भारत में केवल 2,13,027 सक्रिय मामले बचे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे आखिरी टेस्ट मैच में अब तक की पारी को देखते हुए किस टीम का पलड़ा ज्यादा भारी लग रहा है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना है। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।